हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न कार्ट फैमिली। डाउनलोड द लर्न कार्ट ऐप फॉर सीए इंटर एंड फाउंडेशन क्लासेस, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर इंटर एंड फाउंडेशन क्लासेस नीड। नाउ लेट मी टेक यू टू अ टूर ऑफ द ऐप। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस। दिस इज द होम स्क्रीन। एज यू कैन सी, यू कैन वॉच फ्री वीडियोज एज वेल। क्लिक ऑन द एरिया वेयर द एरो इज शोइंग एंड यू कैन वॉच द फ्री वीडियोज एज वेल। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा, जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन। दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स। नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर। Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर product की video का आपको एक demo भी मिलेगा, जैसा कि आप लोग को screen पे दिख रहा है। Screen 1 पे आपको उस area पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही screen 2 पे आपको दिखेगी वो videos आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रिव्यू आपको अवेलेबल है। तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे। This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. बढ़िया तरीके से. And believe me, EISSM is going to be one of the good subject. आपको help करेगा score करने में group 2 में. Why? Because अगर आप देखो तो बाकी subjects जो है वो थोड़े से कहीं कहीं technical हो जाते हैं, लेकिन subjects like audit, subjects like law, subjects like EISSM, यहाँ पर आप score कर सकते हो। जहां पर भी थोड़ा सा भी आपको स्कोर करने का मौका मिलता है आपने डेफिनेटली वहां पर स्कोर करना चाहिए, है ना। तो ईआईएस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट टुडे आज हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में मिले हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते बहुत ज़्यादा तो बेटा आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है। सो दिस इज अ ब्रीफ पार्ट अबाउट माई सेल्फ कि हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो चलिए जिसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। एस एम कितने मार्क्स के लिए आता है सर, और ई आई एस कितने मार्क्स के लिए आता है, थोड़ा सा ब्रीफ पार्ट आपको बताते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे आप बताइए आपको ई आई एस और एस एम के बारे में क्या क्या पता है, लाइक वॉट यू हैव हर्ड इन द मार्केट, क्या क्या आपने सुन रखा है ई आई एस और एस एम के बारे में, कैन यू प्लीज टेल मी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यस ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, क्या क्या आपने क्या क्या सुन रखा है ई आई एस और एस एम के बारे में, कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, कुछ इस तरह की बातें आपने सुन रखी है, स्कोर नहीं होता है, बहुत टेक्निकल है, एम सी क्यू वाला सब्जेक्ट है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको एम सी क्यू आने वाले हैं, तो पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, चीज़ें कैसे होने वाली है, वो सारी मैं चीज़ें थोड़ी आपको शॉर्ट में बताऊँगा। फिर हम आपको थोड़ी सी बिजनेस के रिलेटेड बातें बताएंगे, बिकॉज हम हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, धंधा, बिजनेस धंधा, पैसा, ग्रोथ। हाँ, मुकेश अंबानी क्या स्ट्रेटेजी लगाता है वो आप इसी चैप्टर में, इसी सिलेबस में सीखोगे। जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है, वो कैसी स्ट्रेटेजी लगाते हैं वो आप इसी सिलेबस में सीखने वाले हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चीजें कैसी होने वाली है। आई कॉल इट अनबॉक्सिंग द बिजनेस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जी हाँ, अनबॉक्सिंग योर बिजनेस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपने कई सारे टेक यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि फ़ोन का अनबॉक्सिंग करेंगे, आपके किसी टेक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे, बट हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ बिजनेस की अनबॉक्सिंग करेंगे, बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बिजनेस, ऑल अबाउट कमर्शियल बिजनेस। रतन टाटा क्या करते हैं हमें पता चलेगा, मुकेश अंबानी क्या करते हैं हमें पता चलेगा, कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य ग्रुप के ओनर है वो क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं वो हमें पता चलेगा। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला के बारे में नाम सुना है आपने, हैव यू एवर हर्ड अ पर्सन नेम्ड एज राकेश झुनझुनवाला, क्या आपने इसका नाम सुना है। जैद बोल रहा है यस सर, तो जैद जरा बता ना ये कौन है। मैं चाहूंगा कि बेटा जिस किसी को राकेश झुनझुनवाला के बारे में पता है वो माइक अनम्यूट करके बोले, क्या जानते हैं आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में। इन्वेस्टर है, इंडिया के एस इन्वेस्टर है, मतलब ही इज कॉल्ड द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, इंडिया के वो बिग बुल कहलाते हैं, उनका नेटवर्थ 5-6,000 करोड़ के आसपास है। और क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि दैट पर्सन इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
यस, राकेश झुनझुनवाला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, लेकिन वो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड ही इज कॉल्ड एज द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, करेक्ट। चलिए, सो राकेश झुनझुनवाला भी क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं अपने बिजनेस में, ये भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ही सीखने वाले, और आज कुछ सनसनीखेज खुलासे करेंगे। अब ये जो प्रेजेंटेशन आगे चलेगा, इसमें मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप जवाब दोगे, तो ही हम उसको जवाब मानेंगे। भैया चैटिंग में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल अनम्यूट करके जवाब देना है। लेट अस कीप द सेशन इंटरेक्टिंग, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। तो चलिए अब बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। क्या बिजनेस में हर कोई ग्रो होना चाहता है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हर कोई बिजनेस में ग्रो होना चाहता है, ठीक है। तो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस, एक होती है एडिशनल वाली ग्रोथ और एक होती है मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ। कौन बच्चा मुझे बताएगा एडिशन वाली ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ का क्या मतलब है? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी। सर पहला ही दिन है और इतने सवाल, बेटे बहुत ही सिंपल सिंपल सा सवाल है, आपका सिलेबस तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन फेज में है। यस एनीवन, एडिशन वाली ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सही गलत फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए आपसे। अगर आपको सही जवाब आ जाए, सभी को तो बेटा क्लास की जरूरत ही क्या है, इसीलिए सही हो गलत हो आंसर दे दो, बढ़िया तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ। जितना आप आंसरिंग करोगे उतना आपको सब्जेक्ट में मजा आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ का क्या मतलब है। आज मैंने सीमेंट की एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, मैंने अंबुजा सीमेंट, वंडर सीमेंट इनकी एजेंसी ले ली और आज मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो पहले दिन, अच्छा एक बच्चे ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है निखिल सी, मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ इंटू टू होगी, मीन्स फास्ट होगी एज कम्पेयर टू एडिशन ग्रोथ। तो जैद का आंसर बहुत सही है, मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ हमेशा बड़ी होती है, एडिशन वाली ग्रोथ हमेशा छोटी होती है। देखिए कैसे होता है, हाँ अभी वो मैंने सीमेंट का एग्जांपल लिया, अब लेट अस से फॉर एग्जांपल आज मैंने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, तो दिस इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। पहले साल आई विल टेक एग्जांपल, मैंने 50 करोड़ का टर्नओवर किया, बहुत बढ़िया। अगले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 50 करोड़ का 10% इज 5, तो अगले साल 55% आई मीन 55 करोड़ का मेरा टर्नओवर। क्या मैं बोलूंगा मेरी ग्रोथ हो रही बिजनेस में? हाँ डेफिनेटली हो रही है। उसके अगले साल 60 करोड़ का टर्नओवर हुआ, उसके अगले साल 65 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ एंड सो ऑन। तो ये जो मेरी ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, इसको हम बोलेंगे एडिशनल ग्रोथ, जो 10-25% के बीच में होती है। इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल चाय के ठेले वाला जब अपनी चाय की दुकान फर्स्ट टाइम चालू करता है और कुछ सालों तक बिजनेस कर लेता है, तो चाय के ठेले वाला भी फेमस हो जाता है, और उसने जितनी चाय पहले दिन बेची थी उससे कई गुना ज़्यादा चाय वो अपने चौथे या पाँचवें साल में बेचेगा, है ना। तो उसको बोलेंगे एडिशन वाली ग्रोथ, जो धीरे 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 कर कर ग्रो होती है। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करी आपने, वो नेचुरल ग्रोथ है, लेकिन हमको उसका बात ही नहीं करना, हमको बात करनी है मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ क्या कहती है? आज मेरा इस साल का टर्नओवर 50 करोड़, अगले साल 100 करोड़, उसके अगले साल 200, 400, 800, 1600, 3200 करोड़ रुपए। ये होती है मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ, जहाँ पर आपका जो टर्नओवर है वो अगले साल डबल होता है, डबल। और ये करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो राकेश झुनझुनवाला मल्टीप्लिकेशन से ग्रो हो रहे, मुकेश अंबानी मल्टीप्लिकेशन से ग्रोथ कर रहे, तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनकी नेटवर्थ ऐसी हो रही है? मुझे बताइए, एडिशन वाली ग्रोथ से किसी का 1000 करोड़ का नेटवर्थ हो सकता है क्या? आंसर इज नो। अगर आपको बहुत बड़ी नेटवर्थ बनानी है तो मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ आपको लगेगी। सर एग्जांपल लेंगे मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स यूएस में स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैकडोनल्ड्स आज आप इंडिया में भी आपने कहीं ना कहीं पर तो उसको टेस्ट किया ही होगा। क्या सतारा में मैकडोनल्ड्स है क्या? मेरा सवाल है आपसे, क्या सतारा में मैकडोनल्ड्स है? हाँ या ना? नो, कोई बात नहीं, आज ना कल कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो मैकडोनल्ड्स का ओनर जो है वो तो कभी सतारा आया नहीं, वो तो कभी इंडिया आया ही नहीं, लेकिन ऐसा वो क्या कर रहा है कि वो यूएस में बैठकर भी इंडिया में उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है? उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ। तो इसको कैसे करते हैं सर? इसी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सीखने वाले। आगे देखिए, अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन से ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें लगेंगी। क्या? टू ग्रो एक्सपोनेंशियली
यू नीड टू हैव स्केलेबिलिटी एंड ऑटो पायलट मोड इन योर बिजनेस। जरा इस आदमी को देखिए, ये बहुत बढ़िया दुबई के बीच पे आराम से बैठकर मजे कर रहा है, लेकिन इंडिया में उसका बिजनेस खटाखट खटाखट से ग्रो हो रहा है। तो ऐसा वो क्या कर रहा है? तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक होता है आपकी स्केलेबिलिटी और एक होता है बिजनेस में ऑटो पायलट मोड। मेरा सवाल है आपसे, अगला सवाल, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी का मतलब बताइए। क्या किसी बच्चे को पता है स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? देवराज शिंदे कह रहा है सर लार्ज स्केल बिजनेस मतलब स्केलेबिलिटी। हर्षवर्धन कह रहा है फ्लेक्सिबल का मतलब होता है स्केलेबिलिटी। अंडरस्टैंड, स्केलेबिलिटी का मतलब है एक ऐसी स्टैंडर्डाइज चीज आप बिजनेस में क्रिएट करो और उसको मल्टीपल लोगों में उसको लगा दो, उसी तरीके से चीजें होती चली जाएंगी। वापस मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लेंगे। अब मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कब हुई? 1980s के दौरान मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत हुई। उस समय जो बर्गर वहां पर लोग बना रहे थे, वैसा ही बर्गर आज इंडिया में भी बनता है, वैसा ही बर्गर दिल्ली में बनेगा, वैसा ही बर्गर सातारा में भी जब आएगा तब बनेगा, वैसा ही बर्गर अहमदाबाद में बनेगा, कन्याकुमारी में बनेगा, हैदराबाद बनेगा, कोलकाता में भी बनेगा। सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बहुत ही सिंपल है भैया, मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर बनाने की प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने फिक्स कर दिया कि इसमें कितनी चटनी लगनी है, इसमें वो टिक्की कितनी लगाना है, इसके ऊपर से सलाद कितना लगाना है, इसको कितनी डिग्री पर बेक करना है, और ये चीज को उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसको बोलते हैं बिजनेस में स्केलेबिलिटी लाना। फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज है, फिर बर्गर मैं बनाऊँ, बर्गर मैकडॉनल्ड्स वाला बनाए या बर्गर आप बनाओ, बर्गर सेम बनेगा। तो उसने उसी चीज को बड़े लेवल पर लेकर चला गया, उसको बोलते हैं बिजनेस में स्केलेबिलिटी लाना। एंड व्हाट इज ऑटो पायलट मोड? ये एग्जांपल ऑटो पायलट मोड का, कि आप बिजनेस में नहीं जाते फिर भी आपका बिजनेस ग्रो होता है, इसको कहते हैं बेटा ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपना काम दूसरों से करवाना है आपको, सारा काम खुद नहीं करना। मैकडॉनल्ड्स वाला कभी इंडिया आके बर्गर नहीं बनाता, बिल गेट्स कभी इंडिया में आके माइक्रोसॉफ्ट नहीं को उसने सॉफ्टवेयर को बनाया नहीं, वो वहीं बैठा है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको, राइट? उसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड। जब जियो फर्स्ट टाइम आया था तो क्या आपने जियो का सिम जो आपके पास आया, क्या मुकेश अंबानी ने आपको आके बेचा ले लो सातारा में? कभी देखा मुकेश अंबानी को भैया जियो का सिम ले लो, जियो का सिम ले लो, कभी देखा ऐसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसने लोगों को लगाया है। अपना काम लोगों से करवाओ, अपनी अथॉरिटी लोगों को दे दो, उसी को कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो पायलट मोड, है ना? तो बेटा ये चीज़ें कैसा करना है, हाउ कम इट इज़ टू बी डन, ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजीज कहाँ सीखनी है हमको? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अभी ख़त्म नहीं हुआ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमको सिखाएगा कि कैसे एडवर्टीजमेंट से आपको रीच बढ़ानी है, कैसे एडवर्टीजमेंट से आपको रीच बढ़ानी है। ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीच, एक होती है बेटा फिजिकल रीच और उधर दूसरी तरफ है आपके पास डिजिटल रीच। डिजिटल रीच से आप एक ही टाइम पर पूरे इंडिया में अपने एडवर्टीजमेंट्स को चला सकते हो, और जो फिजिकल रीच है बेटा वो आप एक ही स्टेट में अटक के रह जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ब्लू कलर में वहाँ पे उसमें जो डिजिटल रीच दिख रहा है बेटा, इतनी जगह इंडिया में हमारी क्लासेस चलती है EISSM की। तो अगर मैं वर्चुअल क्लासेस, जैसे आपकी हमारी जो बेटा क्लास चली, जैसे वर्चुअल क्लास, ये वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो हो सकता कि हम आप और आप ना मिलते। तो ये और हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन है, इसको बोलेंगे डिजिटल रीच का कमाल है, और ये आपकी फिजिकल रीच एक सीमित तक रह जाएगी। तो ये आपको कौन सिखाएगा? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। चलिए मोदी जी की बात करेंगे। 2019 में मोदी जी PM बने, 2014 में भी वो PM बन गए थे। तो ऐसा मोदी जी ने अलग क्या करा कि बाकी पॉलिटिशियन नहीं कर पाए और मोदी जी ने वो करा? उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने दिमाग लगाया, जो भी वो काम कर रहे थे उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, जो भी वो काम कर रहे थे सोशल मीडिया पे डाला, जो भी किया सोशल मीडिया पे डाला। तो इससे क्या हो गया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। तो बाकी के पॉलिटिशियंस जो है वो फिजिकल रीच में बिलीव कर रहे थे और मोदी जी डिजिटल रीच में बिलीव कर रहे थे, इसलिए मोदी जी हंस रहे हैं आज भी और बाकी पॉलिटिशियंस यहाँ पर रो रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, केस स्टडी एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने आपके सामने बताया। तो ये कैसे करते हैं, ये भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सीखना है। आगे देखिए, आगे की स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अब मेरा आपसे वापस से सवाल है, आप में से कितने बच्चे, आपका घर में फैमिली में बिजनेस का बैकग्राउंड है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम फैमिली बिजनेस, आई मीन बिजनेस बैकग्राउंड है आपका? आई कैन सी पूजा राजपुरोहित, ओके, रेज योर हैंड्स। सारे बच्चे अपने हाथ रेज करें कि जो बच्चे जिनके घर में फैमिली बिजनेस वाला है सीन। टू पीपल हैव रेज, आई कैन सी सोफिया भगवान एंड पूजा प्रेरणा। थ्री पीपल आर फ्रॉम कि जिनके घर में बिजनेस है, हो सकता है कि बाकियों का कोई कुछ और हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बिजनेस बैकग्राउंड से है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो फ्यूचर में खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रा देखिए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग। इसका क्या मतलब है, आज आपको पता चलेगा कि ये एप्पल का आईफोन इतना महंगा क्यों मिलता है, ये BMW मर्सिडीज की गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों है, ये जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे PVR सिनेमाज में या किसी मल्टीप्लेक्स में हम जब जाकर समोसा परचेस करते हैं तो उधर समोसा 60-70 रुपए का होता है और उसकी टेस्ट भी बिल्कुल बकवास होती है, ऐसा क्यों होता है? ये मारुति सुजुकी जियो ये अपनी प्राइजेस को कम क्यों रखते हैं, ये प्राइस कैसे फिक्स होती है? ये आपको पता चलेगा प्रोडक्ट पोजिशनिंग से। कैसे सर? ज़रा देखिए, हमने क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अंडरस्टैंड, अभी तक बेटा हमने सिलेबस की शुरुआत भी नहीं करी, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने नीचे एक्स एक्सिस पर लिखा क्वालिटी, वाई एक्सिस पर हमने लिख दिया प्राइस। क्वालिटी एंड प्राइस और आपके पूरे ग्राफ को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर वो प्रोडक्ट आएंगे हम जिसको बोलेंगे वैल्यू फॉर मनी। ध्यान देना यहाँ पर, बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा आपको। वैल्यू फॉर मनी मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ज़रा देखिए, एक्स एक्सिस पर क्वालिटी हाईएस्ट लेवल पर है लेकिन प्राइस बहुत कम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अरे ग्राफ आप समझते हो नहीं समझते हो? अरे हाँ या ना, ग्राफ आपको समझ रहा है? यस यस यस, वेरी गुड, सो मैनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। तो हाँ, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो सर इसमें एग्जाम्पल कौन से कंपनीज का आएगा, जरा देखिए, जियो एंड मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया की नंबर वन ऑटो मेकर कंपनी है जो फोर व्हीलर बनाती है, स्विफ्ट डिजायर है ना, आपने बहुत सारे इनके वैगन आर, फिर इनके इर्टिगा, XL6, आपके वो नेक्सा की इग्निस, ये सारे इन्हीं के प्रोडक्ट है। मारुति की गाड़ी सस्ती होती है और टिकाऊ होती है। जियो का एग्जाम्पल लेंगे, जियो का इंटरनेट सस्ता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपको ये फिक्स करना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी का है। अगर हमारा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में है तो हमको प्राइस लोअर लेवल पर रखनी पड़ेगी। अगर हमारा प्रोडक्ट की हमको प्राइस हायर लेवल पर रखना है तो हमें दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना होगा। सर देखिए, अगर मारुति सुजुकी अपनी कोई 25 करोड़ की गाड़ी लॉन्च करता है, 25 करोड़ की मारुति की गाड़ी, कोई इंडिया में इसको परचेस करेगा क्या? मेरा सवाल है आपसे, 25 करोड़ की गाड़ी अगर मारुति ने लॉन्च करी तो कोई इसको परचेस करेगा क्या इंडिया में? नहीं परचेस करेगा। एवरीबडी इज करेक्ट, आयशा पूजा वो बोल रहे कि सर नहीं परचेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये बैठ चुका है कि मारुति मतलब सस्ती और टिकाऊ गाड़ी, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वैसा पोजीशन किया है। तो धंधा चालू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होने वाली। चलिए देखिए नेक्स्ट, दूसरा क्वाड्रेंट वहाँ उधर ऊपर आ रहा है, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। सर व्हाट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट? अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में देखिए, क्वालिटी बहुत कम है प्रोडक्ट की लेकिन प्राइस हायर लेवल पर है, क्वालिटी कम है प्राइस हायर लेवल पर है। तो सर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सेलर वहां पर काम करेगा कि जिसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेगा और उसको आपके सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि तुम उसका प्रोडक्ट परचेस नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई तीसरा करेगा। ऐसे रोज के बहुत सारे कस्टमर उसके दुकान के सामने से गुजरेंगे। तो ऐसा प्लेस जहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। सर कौन सा कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? देखिए ज़रा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, PVR सिनेमा, मतलब मल्टीप्लेक्स। PVR, आप में से कितने लोग PVR को कभी गए हो, या फिर किसी मल्टीप्लेक्स थिएटर में आप में से कितने लोग गए? लेट मी सी, दिव्या कह रही सर मैं गई,
स्वराई सिंह, यस सर आई ऑल्सो वेंट। हुजेफा भी कह रहा है कि यस मैं भी गया हूँ। आई कैन सी विराज, हर्षवर्धन, सो ऑल ऑफ यू हैव वेंट। तो भैया ब्रेक में, जब मूवी में ब्रेक होता है तो आपको भूख लगती है, आप भूख लगती है तो क्या करते हो, आप निकल के बाहर जाओगे क्या? वहाँ पे आप अपने घर का टिफिन लेकर जा सकते हो मल्टीप्लेक्स में? आंसर इज नो। आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं से समोसा पॉपकॉर्न लाना पड़ेगा। भैया 250 रुपये में वो इतनुसा जो है आपको क्या देता है, पॉपकॉर्न का टब देता है 250 रुपये में। वो 250 रुपये में अगर हम घर में पॉपकॉर्न बनाए ना, तो पूरा महीना पॉपकॉर्न रोज खाएंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, फिर भी इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। उधर 250 रुपये में वो इतना सा टब देता है, आपकी जान जलती है, आपको लगता है यार कैसा आदमी इतना प्राइस चार्ज कर रहा है। ध्यान दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, उसको पता है तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और, रोज मूवी देखने कोई ना कोई आएगा। एवरी कस्टमर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इसलिए उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। रेलवे स्टेशन पे वही हाल है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, वहां पर अंदर जाकर अगर आप समोसा परचेस करोगे बेटा, 120 रुपये का एक समोसा मिलेगा वहां पर। जाना कभी मौका मिले तो जाना, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। 120 रुपये का समोसा और क्वालिटी एकदम घटिया, उससे अच्छा समोसा 15 रुपये में आपके सिटी में ठेले पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वो सेलर कैसा है, अपॉर्चुनिस्टिक सेलर है, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। तो कुछ वो एग्जांपल है, आप देखिए आपका मार्केट कैसा है। अगला मार्केट क्या ही कहना, चाइनीज गुड्स मार्केट, क्वालिटी भी खराब है, प्राइस भी कम है, टिका तो टिका नहीं तो खराब हो जाएगा, ये इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट। चलिए आगे देखिए, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट है जहां पर अपना कंपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, जहां पर क्वालिटी भी तोड़ है तो प्राइस भी उनकी तोड़ है। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, BMW, लेम्बोर्गिनी, एप्पल, है ना, ऐसी जो कंपनीज है, रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, ऐसी कुछ कंपनीज है जो अपनी गाड़ियों की कीमतें बहुत हायर लेवल पर रखती, क्यों, उन्होंने ब्रांड की वैल्यू वैसे बनाई है, वो एक नंबर क्वालिटी देंगे लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा रखेंगे। तो लोग क्या सोचते हैं, अगर हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो बेहतर क्वालिटी हमें मिलेगी। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं 2015 में आई वेंट टू चाइना, 6 दिन में चाइना के गोंजाउ करके एक शहर है चाइना में, वहाँ पर मैं था, आई वॉज देयर फॉर अराउंड 6 डेज। वहाँ पर जैसे होता है ना, हमारे सिटी के बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं MIDC, है ना, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वैसे ही चाइना के गोंजाउ के आगे फोशॉन करके एक जगह थी, फोशॉन, वो वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ पर कई सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज हमने देखी, वहाँ पर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री थी, फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन ये वो कंपनी है जो एप्पल को उसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देती है। तो वहाँ से हमें, जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमको पता चला कि 1 लाख रुपये में जो फ़ोन हमें एप्पल बेचता है, एक्चुअली उस एप्पल को उसकी कॉस्ट आती है लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में, 35 to 40 thousand, लेकिन एप्पल हमसे कितना चार्ज कर रहा है, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख। ऐसा क्यों, ब्रांड तुमने क्रिएट किया है। वैसे तो मैं बोलने का ये मतलब है, एप्पल कुछ गलत नहीं कर रहा, उनका प्रोडक्ट उस क्वालिटी का भी है, लेकिन मेरा बोलने का रीज़न क्या है कि अगर आपको बिजनेस चालू करना है और आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है भैया पहले इसको देख लो और फिक्स करो आपका प्रोडक्ट कौन से क्वाड्रेंट में, बिकॉज अगर आप एक बार किसी क्वाड्रेंट में फिक्स हो गए, उसके बाद वहां से चेंज हो जाओगे तो कस्टमर मानेगा नहीं। जैसे मारुति सुजुकी की 50 करोड़ की कार कोई परचेस ही नहीं करेगा, BMW लेते से फॉर एग्जाम्पल, BMW ने कोई 15 लाख की कार लॉन्च करी, अब आपको हजम भी होता है, BMW की 15 लाख की कार कभी देखी है आपने, हैव यू एवर सीन BMW लॉन्चिंग 15 लाख रुपीज़ की कार, नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पोजीशन फिक्स करी है। तो SM यही कहता है कि धंधा चालू करने से पहले, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने से पहले देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आपका प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से प्राइस फिक्स करो, और एक बार प्राइस फिक्स हो गई फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, मार्केट मानेगा नहीं आपकी बात, दैट इज इट। अगली बात करेंगे, SM कहता है बिजनेस चालू करने से पहले बिजनेस के फ्यूचराइजेशन के बारे में सोचिए कि क्या मेरा बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है क्या, या मैं अपना बिजनेस पीछे पास्ट में देखकर कर रहा हूँ। पीछे पास्ट में अगर किसी बिजनेस मॉडल में सक्सेस मिला है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में उसी में सक्सेस मिलेगा, आपको नया आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
डूइंग बिजनेस विथ फ्यूचर इन माइंड विल हेल्प यू टू सस्टेन एट ऑल टाइम। ये जो पैंडमिक आया, ये सब कुछ आया, इसमें कितनी इंडस्ट्रीज बदल के रह गई। जिन्होंने इस चेंज को अडॉप्ट किया वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया वो सीधा ख़त्म हो गए। तो SM यही कहता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आपका चाहिए। तो कैसे करेंगे सर? जब सिलेबस में जाएंगे तब हम देखेंगे। आगे देखिए, बिजनेस प्लान शुड बी ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी लेंगे नोकिया की। नोकिया के बारे में कितने लोग जानते हैं कि नोकिया रातों रात बर्बाद हो गया? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? बहुत लोगों को पता ही होगा। मेरा सवाल है आपसे, नोकिया ने ऐसी क्या गलती करी कि वो रातों रात बर्बाद हो गया? कोई मुझे अनम्यूट करके आंसर देगा तो मुझे मजा आएगा। जैद कह रहा है कि नोकिया ने इनोवेशन नहीं लाया। देवराज कह रहा है कि उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं करा। रुचिता कह रही है नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हुए। प्रतीक्षा कह रही है दे डिडंट ब्रिंग द चेंज। हर्षवर्धन कह रहा है दे डिडंट स्विच टू स्मार्टफोन एंड कंटिन्यूड विद देयर नॉर्मल फोन्स। बहुत बढ़िया। तो आपको मोटा मोटी तौर पर नोकिया के बारे में पता है। आपको आपका सबका यही कहना है कि सर वो समय के साथ चेंज नहीं हुए। आपको क्या लगता है नोकिया इतनी बड़ी हजारों करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी, क्या उसको इस बात का पता नहीं चला कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है? क्या उसको इस बात का पता नहीं चला होगा? क्या डेफिनेटली पता चला, तो फिर भी उन्होंने चेंज क्यों नहीं किया? ये तो हम जानते हैं कि वो चेंज नहीं हुए इसलिए पीछे रह गए, लेकिन क्यों चेंज नहीं किया? क्या उन्हें पता नहीं चला? अरे डेफिनेटली पता चला। फिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? लेट मी सी। डिडंट थिंक ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट्स। जरा देखिए नोकिया की, इसको बड़े डिटेल में देखेंगे आपको समझेगा कि SM एनालिसिस कैसा किया जाता है। आज आपको सनसनीखेज खुलासा यही हो जाएगा। एक टाइम था इन द ईयर 2009, 75% मार्केट शेयर लेकर बैठा था नोकिया कंपनी, और कुछ इस हिसाब से उनके फोन्स थे मार्केट में। ऐसे फोन्स को हम लोग कहते हैं फीचर फोन, वी कॉल देम फीचर फोन। 75% मार्केट शेयर, आप इमेजिन कर रहे हो? आज भी, आज हम लोग बेटा 2021 में जुलाई के महीने में, आज भी इंडिया में कोई दूसरी स्मार्टफोन कंपनी नहीं जिसकी औकात है कि 75% मार्केट शेयर वो ग्रैप करे। एक भी कंपनी नहीं है। नोकिया वॉज द ओनली कंपनी 2009 में 75% मार्केट शेयर। इट वॉज द किंग ऑफ मार्केट। तो ऐसे रातों रात ऐसा क्या हुआ कि नोकिया बिल्कुल ऐसे हवा में फुर्र हो गया? देखते हैं कि क्या हो गया। अब आपको कुछ डेट्स को याद रखना है तो मज़ा आएगा। मैंने आपको बताया इनका 75% मार्केट शेयर कब था? इन द ईयर 2009। अभी देखिए क्या हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी दो टेक जायंट कंपनी है, एक है एप्पल और दूसरी है गूगल। इन्होंने 2007 से लेके 2008 के बीच में कुछ मेजर चेंजेस किए जो नोकिया नहीं पकड़ पाया। क्या किया जरा देखिए। 2007 में स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट टाइम आईफोन को लॉन्च किया, और जब उन्होंने आईफोन को लॉन्च किया वो दुनिया का पहला पूरा की पूरा टच एनेबल्ड फोन था, दुनिया का पहला 2007 में। 2008 में दूसरी टेक जायंट कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड को लॉन्च किया। तो 2007 में एप्पल का iOS लॉन्च हो गया और 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड को लॉन्च किया। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम टच एनेबल्ड स्मार्टफोन के लिए बनी थी। तो जब दुनिया की दो इतनी बड़ी टेक जायंट कंपनीज ने मार्केट में इतना बड़ा चेंज लाने को शुरुआत करी, तब हमारा नोकिया सो रहा था। बिकॉज 2009 जो इसके बाद का साल है, 2009 तक 75% मार्केट शेयर लेकर बैठा था, तो उसको लगा भैया अपन ही डॉन है। आगे देखो क्या हुआ। फिर 2009 में एक कंपनी ने इंडिया में धूम मचाई और बिल्कुल नोकिया के नाक में दम कर दिया। वो कौन सी कंपनी? सैमसंग। सैमसंग ने भी धड़ाधड़ अपने ऐसे सारे फोन्स लॉन्च करना स्टार्ट किया। तो सैमसंग और नोकिया के बीच में बड़ी टक्कर होने लगी। सैमसंग कुछ लॉन्च करता, नोकिया उससे सस्ता फोन लॉन्च करता। नोकिया कुछ नया मॉडल आया तो सैमसंग उससे सस्ता फोन ले आता। बहुत लड़ाई चल रही थी दोनों में। तो नोकिया को ऐसा हो गया था, उसके ईगो पे, उसका ईगो हर्ट हो गया। नोकिया का भैया ईगो हर्ट हो गया। उसको लगा यार ये कौन कंपनी है जो पीछे से आके हमें इतना कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो नोकिया उसके साथ फाइटिंग में लग गया। लेकिन नोकिया ने ये ऑब्जर्व करा, अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सैमसंग हमारे को बहुत कंपटीशन दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम सैमसंग से कई गुना ज़्यादा आगे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी
क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा सेल्स क्यों गिर रहा है, ये नोकिया को समझ में आया कि अपना सेल्स क्यों गिर रहा है। इसका रीजन सैमसंग नहीं था, कुछ और था। तो क्या था ये उन्हें नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा, अपने एक मार्केटिंग की रिसर्च टीम बैठाई, मार्केट बोले जाओ मार्केट में रिसर्च करो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे सेल्स इतने गिर रहे। सैमसंग तो रीजन नहीं, हमें पता है। तो दूसरा रीजन क्या है, ये मार्केट रिसर्च ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और उन्होंने बोला कि अभी का जो टोटल स्मार्टफोन मार्केट है पूरी दुनिया में, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक है आपका नॉन टच ओएस फीचर फोन, मतलब जो नोकिया बना रहा था, और दूसरा है टच एनेबल स्मार्टफोन। और लोग अभी नॉन टच को कम पसंद कर रहे थे और टच एनेबल स्मार्टफोन को जो है वो लोग ज्यादा पसंद करने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मार्केट वालों ने इनको रिपोर्ट सबमिट करा। मतलब हुआ क्या, क्या नोकिया को मार्केट से फीडबैक आया? हाँ डेफिनेटली आया, लेकिन इस फीडबैक को इन्होंने फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, मार्केट से फीडबैक तो आया लेकिन इन्होंने उस फीडबैक पर काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? बिकॉज नोकिया वॉज बिजी फाइटिंग रॉन्ग कॉम्पिटिशन। नोकिया गलत लड़ाई लड़ रहा था। कौन सी लड़ाई लड़ रहा था? वो सैमसंग के साथ भिड़ा हुआ था। अरे भैया, इधर पूरी दुनिया की बड़ी दो टेक जायंट कंपनीज है, वो अगर टच एनेबल स्मार्टफोन मार्केट में ला चुकी तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि तुमने वही करना चाहिए। और मार्केट से फीडबैक आया भी, इनके मार्केट रिसर्च वालों ने इनको रिपोर्ट भी बताई, लेकिन नोकिया वाले फिर भी नहीं सुधरे। मैं बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। वो अपने प्रोडक्ट को लेकर इमोशनल हो गए। उनको लगा अरे अपन डॉन है, 75% मार्केट शेयर हमारा है, हम क्यों बदलेंगे, मार्केट हमारे लिए बदलेगा। जब आप पे आपके सक्सेस का रेशो का भूत चढ़ जाता है तो इंसान भूल जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को लेकर इमोशनल हो गए। उनको लगा ये हमारी रातों रात इतना हमने जो एम्पायर खड़ा किया है उसको कैसे फैक्ट्रीज को बंद कर दे, हम नहीं बदलेंगे। ज़्यादा इमोशनल हो गए प्रोडक्ट को लेकर। और मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस को और इमोशंस को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो। ये मैं तो बता ही रहा हूँ बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी हमको यही सीखना है। चलिए मेरा सवाल है आपसे, जरा इस सवाल का जवाब देना। डज अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस कम्स फ्रॉम अ बिलियन डॉलर आइडिया? क्या एक बड़ा आइडिया से ही बड़ा बिजनेस बनता है? क्या एक बड़े आइडिया से ही बड़ा बिजनेस बनता है? क्या मेरा सवाल है बेटा आपसे। यस विराज कह रहा है नहीं सर। विराज ऐसा क्यों, कुछ एक्सप्लेन करोगे क्या आप? आई विल रिकमेंड, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और मुझसे बात करके बताइए कि क्यों ऐसा, वाई, कितने बच्चों को लगता है कि बड़े आइडिया से ही बड़ा बिजनेस बनता है? विराज कह रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो विराज कुछ एग्जाम्पल बताइए। हर्षवर्धन बता रहा है नॉट नेसेसरी, आइडिया डू पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस बट वॉट स्टेप्स यू टेक टूवर्ड्स द आइडिया एंड प्रॉपर एक्सिक्यूशन विल लीड टू अ बिग बिजनेस। वेरी गुड, हर्षवर्धन का एक्चुअल में सही जवाब है। अच्छा और बच्चा कोई कुछ बोलना चाहता है? और बच्चा कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? अरे भैया आप अनम्यूट तो करो खुद को, कुछ बातें तो करो मुझसे। ऐसा अजीब सा लग रहा है आप बातें नहीं करते बिल्कुल भी, बस चैट ही चैट कर रहे हो हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसा बच्चे ने सही बताया, हमेशा बड़े आइडिया से ही बड़ा बिजनेस बढ़ेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। दुनिया में कई सारे एग्जाम्पल है कि इनोवेशन किसी और ने किया लेकिन एग्जीक्यूशन जिसने करा उसने बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। कैसे होगा सर? कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेंगे और आपको ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, इस मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूव करेंगे। एवरीबडी आर यू एंजॉइंग द सेशन, प्लीज़ टेल मी क्या आपको सारी चीज़ें अब तक की समझ में आ रही है, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल आपको रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, बेस्ट, वेरी गुड। चलिए अभी मैं कुछ सवाल करूंगा उसके जवाब देना। अब मैंने क्या करा, स्क्रीन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है आपका इनोवेटर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटर। इनोवेशन किसी और ने करा लेकिन एग्जीक्यूशन जिसने करा उसने बड़ा बिजनेस किया, ये प्रूफ करेंगे आपके सामने।
ये जो फोटो है, दिस फोटो इज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर दैट वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1975। 1975 में दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बन के जब रेडी हुआ, तब कुछ उस टाइम की ये तस्वीर है। मेरा सवाल है, कौन से कंपनी ने इसको बनाया रहेगा? व्हाट इज योर गेस? कौन सी वो कंपनी थी जिसने पहला पर्सनल कंप्यूटर 1975 में बनाया था? एनी गेस? लेट मी सी, कितने बच्चों को पता है? अरे सही है गलत है क्या फर्क पड़ता रे, आंसर देने का तो मजा आता है। हर्षवर्धन कह रहा है सर नो आइडिया। अच्छा हाँ, देवराज कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट। नहीं बेटा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट द राइट आंसर। उजेफा कह रहा है सर एप्पल शायद। नहीं बेटा, एप्पल भी नहीं है। आयशा कह रही है डेल। ओम यादव कह रहे हैं डेल। नहीं बेटा, डेल भी नहीं है, डेल इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सुफिया कह रही है कि सर आईबीएम ने लॉन्च किया। नो, आईबीएम इज ऑल्सो नॉट द आंसर। जकिया बेटा आईबीएम आंसर नहीं है। आपको शॉक लगने वाला है, मैं बता रहा हूं जब आपको मैं नाम बताऊंगा। देखिए आप बताओ या नहीं बताओ, या आप बताना चाहोगे? दिव्या पवार कह रही है सर टाटा ने बनाया। नहीं बेटा, टाटा ने नहीं बनाया। इंटेल तो बेटा प्रोसेसर बनाता है देवराज, इंटेल तो बेटा प्रोसेसर बनाता है, वो कंप्यूटर नहीं बनाता। तो हर्षवर्धन कह रहा है कि सर बचा ही कौन है? बेटा देखिए, आप जिस कंपनी का नाम लूंगा आपको शॉक लगेगा। जेरोक्स वॉज द फर्स्ट कंपनी हु मेड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द ईयर 1975। है सर जेरोक्स? क्या बात कर रहे हैं? आराम से आराम से, जरा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा, जेरोक्स का मशीन आप लोगों ने देखी? बेसिकली जेरोक्स तो एक कंपनी का नाम है, वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसका नाम है फोटोकॉपिंग। तो फोटोकॉपी की दुनिया में जो नंबर वन कंपनी है उसका नाम है जेरोक्स। तो जेरोक्स ही वो कंपनी थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर बना के रेडी करा था इन द ईयर 1975। लेकिन क्या आपने, अभी मेरे सवाल का जवाब देना, क्या आपने आपके बचपन से लेके आज तक क्या कभी जेरोक्स कंप्यूटर का आपने कभी यूज़ किया? क्या जेरोक्स ब्रांड के कंप्यूटर का कभी यूज़ किया आपने आज तक? नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनोवेशन तो जेरोक्स ने करा लेकिन एक्सीक्यूशन इन दोनों ने कर लिया। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ने धूम मचा दी। तो देखिए, इनोवेशन किसी और का, एग्जीक्यूशन किसी और का। तो बड़े आइडिया से बिजनेस बड़ा नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से बिजनेस बड़ा बनता है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सारी की सारी एग्जीक्यूशन की ही स्ट्रेटेजीज बताने वाला है। आइडिया किसी और का लेकिन एग्जीक्यूशन आपका वर्ल्ड क्लास है। तो इनोवेटर से बड़ा बिजनेस एग्जीक्यूटर सेट कर देगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, एकदम लाइव एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे और आपको प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, इनोवेटर एग्जीक्यूटर। अब जरा आयुर्वेद की बात करेंगे और जब मैं एग्जाम्पल लूंगा आपको पता ही होगा कि यहां पर मैं किसका नाम लेने वाला हूं। बैद्यनाथ 1917 में कंपनी फॉर्म हुआ, आज तक बिजनेस कर रहा है। डाबर 1884 से बिजनेस कर रहा है। प्रॉक्टर गैम्बल पीएनजी 1837 से इसी इंडस्ट्री में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 से इसी इंडस्ट्री में है। लेकिन 2006 में एक व्यक्ति आया और इन सभी कंपनीज की हवा उसने टाइट कर दी। क्या आप उसका नाम गेस कर सकते हो? वेरी गुड, पूजा ने बहुत ही सही बयान किया बेटे, बाबा रामदेव। 2006 में आए और पूरे मार्केट को हिला दिया और आज तक सारी कंपनीज इनसे परेशान है। तो देख रहे हो, 100 100 साल पुरानी कंपनी को पीछे पछाड़ दिया बाबा रामदेव ने। तो ऐसा क्या करा? आइडिया इनोवेशन किसी और का, एग्जीक्यूशन आपका। एग्जीक्यूशन जितना बढ़िया करोगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा बनेगा। करेक्ट। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे बेटे कंप्यूटर की दुनिया में सर्च इंजिन्स की, और आप उसका जानते ही हो नाम क्या है, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री जानेंगे। 1994 में वेब क्रॉलर करके सर्च इंजिन सबसे पॉपुलर था। उसके बाद 1995 में अल्टा विस्टा, ये सबसे पॉपुलर हुआ। 1996 में याहू ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एमएसएन,
सॉफ्टवेयर आई मीन अपना जो सर्च इंजन है वो लॉन्च किया, मतलब क्या ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है या कोई दूसरा? आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है जो इन सब के बाद लॉन्च हुआ? एंड दैट इज गूगल। 1998 में, मतलब जब एमेसन लॉन्च हुआ उसके 6 महीने बाद गूगल लॉन्च हुआ, तो गूगल 17वां सर्च इंजिन था, 17th सर्च इंजिन। तो उसके पहले 16 और भी थे, तो इनोवेशन तो उन्होंने किया, लेकिन बढ़िया एग्जीक्यूशन किसने किया? गूगल ने किया। और आज गूगल इन सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन अगर कोई है तो गूगल ही है। आई गेस मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट, गूगल 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 है, देखो सब लिख दिए गूगल गूगल गूगल। रामदेव और गूगल को तो आप पहचान गए। तो बेटा यही सारी बातें, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, हाउ कम स्ट्रेटजीज आर टू बी मेड, प्राइसिंग कैसे फिक्स करे, एग्जीक्यूशन कैसा करे, है ना, कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेटजीज लगा, ये सारी बातें हम एसएम के सिलेबस में करने वाले हैं। मुझे बताइए क्या ऑल ऑफ यू आर नाउ एक्साइटेड टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इज एवरीबडी नाउ एक्साइटेड टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? यस, आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं बता रहा हूं ये सब्जेक्ट अपने आप में अजूबा है, बहुत मजा आएगा आपको। ऐसा लगेगा ना, मतलब जब ये सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा और आप कहीं पानी पूरी खाने जा रहे हो, आपको लगेगा अच्छा रचेंद्र सर ने हमको बताया था कि ये स्ट्रैटेजी ये इधर यूज हो रहा है इसलिए इसकी प्राइस ऐसी है। अच्छा ये जो हमारे गली नुक्कड़ पे जो किराना शॉप वाला है उसका बिजनेस ग्रो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वो ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहा है। आपको बिजनेस में स्ट्रैटेजीज दिखने लग जाएंगी। इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, जब कभी भी आपको बेटा फिजिकल नोट्स बहुत जल्द आनंद सर आपको दे ही देंगे, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या जितने भी कॉन्सेप्ट्स पर मैं एग्जाम्पल लूंगा आपको एग्जाम्पल लिख लेना है, कहीं भी छोटे अक्षरों में एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्सेप्ट के बगल में। स्टिकी नोट्स का यूज करें, स्टिकी नोट्स का। सर स्टिकी नोट्स क्या होता है बताते हैं आपको। ये देखो बेटा इसको कहते हैं स्टिकी नोट्स। तो जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो ऐसा भी कुछ 10-30 रुपीज़ में आता रहिए, इसको परचेस कर लो और जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसके मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा वो लिख के उधर चिपका देना। सर इसका क्या यूज़ होगा? जब आप क्लास खत्म हो जाने के बाद तन्हाई में पढ़ाई करोगे, सर तन्हाई में मतलब अकेले में जब सेल्फ स्टडी करोगे, तो हमारे यही एग्जाम्पल आपको कॉन्सेप्ट को याद दिलाएंगे। तो हमारी क्लास में आपको बेटा एक चीज़ याद रखना है, हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे आप एग्जाम्पल को लिख लेना ताकि जब स्टडी करोगे तो आपको याद आएगा। अच्छा सर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसी पढ़ाई करनी है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपको बस ध्यान देना है और बढ़िया से आपको कंसंट्रेट करना है, एग्जाम्पल्स को लिख लेना है। नहीं समझा माइक को अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाने के फ्लो में चैटबॉक्स के पास हो सकता कभी ध्यान जाए या ना जाए, इसलिए आपको क्या करना है अपने माइक को अनम्यूट करके आपको मुझसे बात करनी है ना। सो दिस इज हाउ द क्लास का फॉर्मेट इज गोइंग टू बी। चलिए जी और भी आपको बताएंगे, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस पर चलते हैं। पहले थोड़ा सा बता दें कि चार्ट्स कैसे होंगे, नोट्स कैसे होंगे, पढ़ाने का तरीका कैसे होगा। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको उस चैप्टर के समरी चार्ट्स बताएंगे। सर ये समरी चार्ट्स कैसे होने वाले, कुछ झलक हमें बता सकते हैं क्या? झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। हाँ बेटा जस्ट आपको बता रहा है झलक, ये देखिए कुछ बेटा इस तरीके के हमारे समरी चार्ट्स होने वाले हैं हर चैप्टर के। सो देयर आर टोटल 8 चैप्टर और हर चैप्टर का कुछ ऐसा चार्ट आपको मिलेगा जहां से हम पूरे चैप्टर का पहला ओवरव्यू लेंगे और फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे जब धोनी को सिक्सर लगाना होता है, आपने देखा है क्या करेगा धोनी, सीधा सिक्सर लगाएगा क्या? नहीं, पहले क्या करेगा अपने ग्लव्स को टाइट करेगा है, फिर 2-3 बार यहां देखेगा इधर देखेगा, भैया कहाँ पे फिल्टर कहाँ पे आपको गैप लग रहा है, और फिर बल्ला उठाएगा। हम यही चीज करेंगे, पहले चैप्टर को देख लेंगे कि कितना बड़ा चैप्टर है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट इसमें आने वाली है, और फिर बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच चैप्टर। अच्छा सर ये नोट्स का क्या सीन है, क्या हमें नोट्स कैसी मिलने वाली है? देखो बेटा नोट्स की भी झलक आपको दिखाते हैं।
दिस इज हाउ द नोट्स आर गोइंग टू बी। ये देखो बेटा हमारी नोट्स कुछ इस तरीके के कलरफुल नोट्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये सारी की सारी नोट्स इसी तरीके से होने वाली है। मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अंदर लिखा हुआ है, जब आपको मौका मिले तो पढ़ लेना। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा वहां पर हमारा जो भी रिकॉर्ड है। अब बात करेंगे बेटे एसएम के सिलेबस की, तो टोटल 8 चैप्टर्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देर आर टोटल 8 चैप्टर्स। ईआईएस में कितने है सर? ईआईएस में देर आर 5 चैप्टर्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देर आर टोटल 8 चैप्टर्स। सर इतना बड़ा सिलेबस है 50 मार्क के लिए, कैसे पढ़ेंगे हम? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मैं कैसा पढ़ूंगा? इतनी नन्नी सी जान कैसे 8 चैप्टर पढ़ेंगे? बेटा ये चैप्टर केवल नाम के 8 चैप्टर्स है, बहुत सिंपल है। जरा देखिए आपके मन के समाधान के लिए मैंने कुछ किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस का एक कॉलम मैंने बनाया है। तो देखिए जरा पहला चैप्टर कितने पेज का है? ओनली 7 पेजेस। सबसे बड़ा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, जो मैक्सिमम कितने पेजेस का है? कुछ भी नहीं है रे, ये 25 पेजेस का ही है। ये 25 पेजेस में तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आया होगा। लॉ का जो सबसे छोटा चैप्टर होगा ना, वो भी 25 पेज से बड़ा ही होगा। कॉस्टिंग का सबसे छोटा चैप्टर भी 25 पेज से बड़ा ही होगा। तो एसएम का सिलेबस बहुत कम है, तो आपको ये स्कोर करने में काम आएगा। और केस स्टडीज आती है बेटा, केस स्टडीज आती, जो हमने इतनी सारी कंपनीज के एग्जाम्पल लिए, इतना सब कुछ लिया, जो आपको बताया एग्जाम्पल, ये सारे आपके सिलेबस में हम और डिस्कस करेंगे इसको, तो मज़ा आने वाला है आपको। केस स्टडीज बेस आपका सिलेबस होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में केस स्टडीज भी आती है सर। उसको केस स्टडीज को अटेंड कैसे करना है, लिखना आंसर्स कैसे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो चलिए, अच्छा सर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, मतलब क्या हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, हमारा चैप्टर का सीक्वेंस क्या होने वाला है? चलिए आपके चैप्टर के सीक्वेंस को हम बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से और इसको स्ट्रेच करके हम चैप्टर नंबर 8 तक जाएंगे, एंड चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट में करेंगे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा चैप्टर नंबर 1 ना पढ़ने के लिए आपको बाकी चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए हम ये चैप्टर 1 लास्ट में करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हर चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा हमारे क्लास का एक रूल आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ, हर 1 से 1.25 घंटे के बाद हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में कहीं जाना नहीं है, हम बच्चों से गाना गवाते हैं। हाँ हर रोज किसी एक बच्चे को अपनी सुरीली आवाज में गाना होगा। जो बच्चा आज गाएगा वो ये नॉमिनेट करेगा कि कल कौन गाएगा। हम चाहते हैं कि बच्चों में थोड़ा सा मनोरंजन का माहौल बना रहे, थोड़ा सा मजा मस्ती का माहौल बना रहे। तो मुझे बताइए क्या आपके क्लास में से कोई बहुत बढ़िया सिंगर है यहाँ पे? क्या किसी की आवाज़ बहुत बढ़िया है? मेरी अब एक एग्जिस्टिंग बैच चल रही है, उस बैच में रोज कोई ना कोई बच्चा गा रहा है। एक बार एक बच्चे ने गिटार बजा के दिखाया, एक बार एक बच्चे ने पियानो बजा के बताया। बस कुछ नहीं करना, आपको वीडियो ऑन करना और अपना गाना वगैरह गाना है। 3-4 बच्चों ने मिल के प्रॉपर ड्रामा जो है वो दिखाया था स्क्रीन पर, तो मनोरंजन भी बना रहना चाहिए। तो ये बेटा हम ये चीज़ फॉलो करेंगे। हम एक बच्चे को बोले भैया कि कल तुम्हारा चांस है, तुम प्रिपेयर करके आना, और फिर वो यहाँ पर आकर सबके सामने गाना गाएगा और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है, बिलीव मी। एक अच्छा आपका साथ में जो है सबका रिलेशन बनेगा, एंड यू विल एन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज हम केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे, तो बीच में हम 5 से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक में आप कुछ बहुत बढ़िया तरीके से गाना गाओगे, आपको शायरी कहनी, शायरी कहोगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कहोगे। इज इट ओके विथ यू? ओए बच्चों, अच्छा हर्षवर्धन कह रहा है सर जैद की आवाज़ बहुत अच्छी है, देवराज कह रहा है कि उजैफा की आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या बात है। उजैफा, उजैफा की काफ़ी मैं तारीफ यहाँ पर सुन रहा हूँ, तो उजैफा भैया कुछ 2 लाइनें सुना दें आप हमें आज। उजैफा जी कहाँ गए? अरे बच्चा किधर चला गया? हाँ ये इधर है। उजैफा सैयद, सैयद भाई कहाँ हो आप? उजैफा जी आप आज गाना गाओगे या कल गाना गाओगे? अच्छा ओम यादव बोलता है सर उजैफा आतिफ असलम की तरह गाना गाते हैं, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया,
उजेफा कह रहा है सर बच्चे मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा नाम बस लिया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बट ये आप मन बना लीजिए, हम मजा आता है, आप एक बार इसको करके तो देखिए, बहुत मजा आता है। वर्चुअल में भी हम इसका मनोरंजन का हम लोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें पढ़ाई ही करना है तो पढ़ाई करेंगे, फिर जैसा आप कहोगे। चलिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज हम ही से शुरुआत करेंगे, एक बहुत अच्छी शायरी आपको सुनाएंगे। क्या शायरी सुनना चाहोगे? क्या शायरी सुनना चाहोगे? बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ सर क्यों नहीं, शायरी सुनना चाहेंगे बिल्कुल, तो पर एक ही शर्त पे शायरी। इरशाद, अच्छा उजैफा जी कर रहा है इरशाद इरशाद, भैया वाह बहुत बढ़िया माहौल बना रहे बच्चे तो, लेकिन एक ही शर्त पे शायरी सुनाऊंगा। कल किसी बच्चे को गाना गाना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे शायरी बोले, गाना गाए, स्टोरी बोले, जोक बोले, कुछ तो करे, तो ही मैं ही शुरुआत करूंगा, नहीं तो मैं नहीं शुरुआत करूंगा। सो क्या हमारे ये, मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूँ कि सर कल कोई तो कोई परफॉर्म करेगा, और वो आप डिसाइड करोगे, जो बच्चे कहेंगे वही होगा। बच्चे बोलेंगे सर इसको बोलो, तो हम उसको बोलेंगे भैया गाना गा दो, तो गाना गाना पड़ेगा फिर आपको। देवराज बोल रहा है सर उजेफा को ही बोल लीजिए। चलिए शायरी बताएंगे अच्छे से, इसको शायरी को सुनना, पहले बोलिए इरशाद इरशाद बोलिए, जरा सा माहौल बनाइए। अरे बोलिए इरशाद इरशाद तो बोलो, माहौल तो बनाओ, तो मजा आएगा शायरी बोलने का। ऐसे अब बोल रहे इरशाद इरशाद, देखिए ध्यान से सुनना इसको, और अच्छा लगे तो लास्ट में वाह वाह, माइक अनम्यूट करके वाह वाह करना, ठीक है। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, कि जिसको पानी हो दुनिया वो पागल हो नहीं सकता। कि हर एक कपड़े का टुकड़ा है वो माँ का आंचल नहीं हो सकता, आपको बहुत बार लाइफ में टफ बनना पड़ता है, और जिसको दुनिया जीतनी है उसको बड़ी धैर्य से काम लेना पड़ता है, सफलता की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। तो और दो लाइन बची है, जरा इसको ध्यान से सुनना। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, कि जिसको पानी हो दुनिया वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें ना शामिल हो। जफा का मतलब क्या होता है? दीवानगी। जफा का मतलब होता है अपने टारगेट के प्रति पागलपन, बिल्कुल। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें ना शामिल हो, सफलता का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। सफलता का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता, एंड दैट्स ऑल। बढ़िया बढ़िया, सही लगी आपको शायरी? एंड आई कैन सी मैनी वाह 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 कमिंग फ्रॉम आउट देयर। तो बस आपको भी अपने ESSM के प्रति ऐसी जफा रखनी है, ऐसी बहुत सारी शायरी हमारे पास स्टोर में है, टाइम आने पर आपको एक एक शायरी के पिटारे से एक एक शायरी खोल के बताएंगे आपको। लेकिन शर्त हमारी भी है कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा, या तो आपको गाना गाना है, जोक बोलना है, आपको जो करना है करना है, लेकिन मनोरंजन सभी का होना चाहिए, तो क्लास में माहौल बना रहता है। चलिए, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। सो हम बात कर रहे थे बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पर टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, आई मीन 8 टोटल चैप्टर्स है आपके। शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर 8 तक जाएंगे, और फिर लास्ट में चैप्टर 1 को हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए चैप्टर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या देखना है, देखिए टाइटल क्या है चैप्टर 2 का, डायनामिक्स ऑफ कंपिटेटिव स्ट्रेटेजी। डरना नहीं, आज किसी भी तरह की कोई पढ़ाई नहीं, आज केवल इंट्रोडक्शन, सभी चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और आज का क्लास एंड करेंगे, दैट्स इट। चलिए पहले देखते हैं, पहले आपको जो चैप्टर स्टार्ट करेगा बेटा उसका नाम क्या है, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस और स्ट्रेटजीज। सर इसका क्या मतलब है, इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? ये सबसे बड़ा चैप्टर है, 25 पेजेस का चैप्टर है। इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस, इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। कि अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना है या आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस केस में आपको कैसे एनालिसिस करना है, उसकी पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी हुई है। इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर कुछ बहुत सारे एनालिसिस के टूल्स आपको दिए जाएंगे। आपने जैसे स्वॉट एनालिसिस के बारे में सुना है,
क्या आपने स्वॉट एनालिसिस के बारे में कभी सुना है? स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। जी हाँ, कुछ बच्चे कह रहे कि हाँ सर हमने सुना है, आई कैन सी रमा देवराज, मैनी पीपल आर से दैट यस हमने स्वॉट एनालिसिस के बारे में सुना है। तो देखना है आपने क्या करना है। स्वॉट एनालिसिस जैसा एक टूल है, वैसे कई सारे और भी टूल है इसी चैप्टर में, मैं कुछ के नाम आपके सामने लेता हूँ। एक है आपका BCG मैट्रिक्स, एक है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके बाद आपका एनसॉफ्ट प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ADL मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स, टॉस मैट्रिक्स, ग्लोबलाइजेशन मॉडल, ऐसी कई सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 2 में आने वाली है। तो धंधा चालू करने से पहले कैसे एनालिसिस करना, ये पूरा चैप्टर 2 से सीखेंगे हम। अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी, जियो में कितनी इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने पता है आपको? 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मजाक थोड़ी है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन्होंने मार्केट का स्टडी नहीं किया क्या? हाँ डेफिनेटली किया। तो कौन से टूल्स का यूज़ किया, कैसे मार्केट की स्टडी करी, वो पूरा नॉलेज आपको चैप्टर 2 में आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस। फिर चैप्टर 2 एनालिसिस की बात करेगा। चैप्टर 3 किसकी बात करेगा सर? चैप्टर 3 का टाइटल देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? क्या आपने कभी इन वर्ड्स के बारे में सुना है? कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कभी ऐसी बातें आपने कभी सुनी है? यस पूजय सिंह, यस सर हमने इसके बारे में सुना है। तो बेटा मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इसका पूरा नॉलेज चैप्टर 3 में आएगा। जैसे अमेजॉन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, अच्छा सर दुनिया की सबसे बड़ी है, तो पहली कौन है फिर? क्या पहली फ्लिपकार्ट है? नहीं, फ्लिपकार्ट तो केवल इंडिया में है। अलीबाबा जो चाइना का कंपनी है, अलीबाबा दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है। तो अलीबाबा के मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अमेजोन के मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऐसी बातें हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, अमेजोन के विजन स्टेटमेंट में लिखा है कि वी वॉन्ट टू बिकम अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। हमें कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, ऐसा अमेजोन ने लिखा हुआ है उसके विजन स्टेटमेंट में। इसका क्या मतलब है सर? हम कस्टमर को बीच में रखेंगे और उसके फायदे के बातों को इर्द गिर्द हम अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप करेंगे। इसको कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ विजन मिशन कैसे डेवलप किया जाता है, इसका पूरा नॉलेज चैप्टर 3 में आपको मिलने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। सर वो सब तो ठीक है, एक्चुअल स्ट्रैटेजीज क्या होगी? स्ट्रैटेजीज क्या होंगी सर? तो एक्चुअल स्ट्रैटेजीज आपकी 3 चैप्टर में आने वाली है, और यही वो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, जहाँ से मैक्सिमम केस स्टडीज आपके सिलेबस में आती है। सर कौन कौन से चैप्टर है देखिए, पहला है आपका कॉरपोरेट लेवल, दूसरा है आपका बिजनेस लेवल, और तीसरा है आपका फंक्शनल लेवल। कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक होता है आपका टॉप मैनेजमेंट, एक होता है आपका मिडल मैनेजमेंट, और एक होता है आपका लोअर मैनेजमेंट। सर ये टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहले काम समझेंगे तो स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। सर टॉप मैनेजमेंट कौन से लोग आ रहे? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO है, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ना, ऐसे वाले जो लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह, ऐसे वाले जो लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम क्या होता है? सपने देखना। इनका काम होता है विजन को सेट करना। मुकेश अंबानी क्या करेगा? उसे सोच लिया भैया इंडिया में जियो का झंडा गाड़ के रहेंगे। रतन टाटा ने सोचा हम इंडिया में सबसे अफोर्डेबल कार मेकर में नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। सपने देखना काम होता है, लॉन्ग टर्म सोचना टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो टॉप मैनेजमेंट अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बैठकर जो चाय पर चर्चा करते हैं ना, वो जिस स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं बेटा, उसी स्ट्रैटेजीज को कहते हैं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उन स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने बता दूं, जो स्ट्रैटेजीज के नेम्स है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ, कॉन्ग्लोमोरेट स्ट्रैटेजी, को जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, समझ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन,
इंटेंसिफिकेशन, ये कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ स्ट्रेटजीज के मैंने नाम लिए, इनका पूरा नॉलेज चैप्टर 4 में आने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 4। अब टॉप मैनेजमेंट का तो काम हो, पता चला कि सपने देखना, लॉन्ग टर्म सोचना कि 25 साल बाद मेरी कंपनी किधर होगी, ये टॉप मैनेजमेंट का सोचने का काम है। अभी मिडल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो मुकेश अंबानी के नीचे काम कर रहे, जो टॉप मैनेजमेंट के नीचे होता बेटा लोअर मैनेजमेंट, ये ऊपर टॉप मैनेजमेंट, ये नीचे लोअर मैनेजमेंट, तो आई मीन मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट ने जो सपने दिखा है उसको साकार करने की प्लानिंग करना। मुकेश अंबानी ने सेट करा कि जियो जब हम लॉन्च करेंगे इंडिया में 80% मार्केट शेयर जियो के पास होगा, ये उनका सपना है। इसको साकार करने के लिए मिडल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए, उन्होंने पहले 6 महीना जियो को फ्री दिया, फिर इंटरनेट के अलग अलग प्लान्स बनाए, जियो ऑप्टिक फाइबर लेकर के आ गए, जियो में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को लाया। तो ये प्लानिंग करने का काम होता है मिडल मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट ने जो सपने दिखाए ना उसको साकार कैसे करे, इसकी प्लानिंग करना काम किसका होता है, मिडल मैनेजमेंट का, राइट। सो मिडल मैनेजमेंट जो बेटा स्ट्रेटजी बनाता है उस स्ट्रेटजी के नाम है उसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा मिडल मैनेजमेंट वाला, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। उसमें सर हम क्या सीखने वाले, उसमें हम स्ट्रेटजिस्ट की बात मानेंगे। जैसे देखो इकोनॉमी में, आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आपने इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम बता सकते हो आप, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट के नाम बता सकते हैं, यस एनीवन, आपका फेवरेट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, एक बच्चे ने लिखा है सर एडम स्मिथ पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है, अल्फ्रेड मार्शल भी बड़ा नाम है। तो जैसे बेटा इकोनॉमी में होता है इकोनॉमिस्ट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की दुनिया में भी स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, लेकिन एक फर्क है यहाँ पर, इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में जो भी आपने इकोनॉमिक्स के नाम देखे, हो सकता है कि उसमें से ज़्यादातर इकोनॉमिक्स तो आज जिंदा भी नहीं है, लेकिन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इस चैप्टर में जिस इकोनॉमिक जिस स्ट्रेटजिस्ट के बारे में आप पढ़ने वाले, उसका नाम है माइकल जैक्सन, नहीं माइकल पोर्टर नाम है बेटा उसका, माइकल पोर्टर, और वो आज भी जिंदा है, देख लीजिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे माइकल पोर्टर, यही है वो इंसान जिसकी पूरी नॉलेज, ये आज भी जिंदा है, सो इज अ लिविंग लेजेंड, और इसका नॉलेज हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले। यही बंदा जाकर के हार्वर्ड में सिखाता है, यही बंदा जाके स्टैनफर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में सिखाता है, यही बंदा जाके बिजनेस वालों को स्ट्रेटजी बना के देता है, और इसकी कंसल्टिंग फीस करोड़ों में है। इसको हम बोलते हैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। तो इसी का नॉलेज आपको पूरा चैप्टर नंबर 5 में आने वाला है, तो ये जिंदा है आज। तो चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट माइकल पोर्टर की बिजनेस वाली स्ट्रैटेजी, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अगला पार्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 विल टॉक्स अबाउट फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। सर ये फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए मार्केटिंग इज अ फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ये भी फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी फंक्शन है, फाइनेंस ये भी फंक्शन है। तो ऐसा जो लोअर मैनेजमेंट है ना, लोअर मैनेजमेंट जो काम करता है उसी को हम बोलेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है लोअर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उनका काम होता है दिमाग लगाना ही नहीं है, जो टॉप बोलेगा जो मिडल बोलेगा वैसा ही काम कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट, गेटिंग दिस पॉइंट। सो फंक्शनल लेवल में हमको वो सारी बातें सीखनी है। अच्छा एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आप फंक्शनल लेवल में सीखोगे। जैसे आप सभी ने वो ऐड देखी क्या, मैन विल बी मैन, प्यार की राह में जलना सीख, देखा या नहीं देखा आपने ऐड, हाँ तो भैया वो जो मैन विल बी मैन की ऐड है, ऐसी पावरफुल एडवर्टीजमेंट्स कहाँ से बनाते, कैसे बनाते, उसको कहते बेटा जिंगल मार्केटिंग, वी कॉल इट जिंगल मार्केटिंग। तो ऐसी कई तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स आपको इसी चैप्टर में सीखने मिलेगी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। मैं बता रहा हूँ सारे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, आपको पता चलेगा अच्छा ये स्ट्रेटजी है क्या, आपको लिख कर रहना और मज़े लेना है। आगे फिर चैप्टर 7 किसके बारे में सर, चैप्टर 7 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। मेरा सवाल है आपसे, क्या एक कंपनी में अच्छे लीडर की जरूरत होती है,
क्या एक कंपनी में अच्छे लीडर की जरूरत होती है क्या? पूजा कह रही है हाँ सर डेफिनेटली होती है। रुचिता भी कह रही है, स्वरा भी इसी में कह रही है हाँ हाँ सर डेफिनेटली होती है। प्रतीक्षा भी कह रही है कि हाँ हाँ सर होनी ही चाहिए। तो बस बेटा उसी की बात होगी यहाँ पर। ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। मतलब आप इमेजिन करो, एक बैंक का मैनेजर वर्सेस धीरूभाई अंबानी, क्या दोनों में कोई फर्क है? बैंक का मैनेजर भी लीडर है और धीरूभाई अंबानी भी लीडर है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या जमीन और क्या आसमान और क्या फर्क है, यही चीजें हमको स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में सीखना है। सर ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखना है हमें? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है। ऑर्गेनाइजेशन में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की। बॉस कौन है, एम्प्लॉय कौन है, प्यून कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये स्ट्रक्चर आपको फिक्स करना है। अच्छा सर इस पे भी हमको नॉलेज मिलेगा? हाँ जब धंधा करना है तो पूरा नॉलेज देंगे आपको। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमको टोटल 7 टाइप के स्ट्रक्चर सीखना है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, मेट्रिक्स स्ट्रक्चर, आवर ग्लास स्ट्रक्चर, SBU स्ट्रक्चर, इतने सारे टाइप के स्ट्रक्चर है जो हमको सीखना है चैप्टर 7 में। मज़ा आएगा बहुत आपको सीख करके। और हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी में कौन सा स्ट्रक्चर चलता है, ये भी बताएंगे आपको। एंड चैप्टर 8 स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन की क्या ताकत है ये आप अभी देख चुके हो। इनोवेशन किसी और का, एग्जीक्यूशन किसी और का। तो कैसा होगा एग्जीक्यूशन, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसा इंप्लीमेंट करना है, पूरा चैप्टर 8 बताएगा। एंड समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल, मतलब हम यहाँ पर ऑडिट की बात करेंगे। सर क्या ऑडिट की बात करेंगे? ऑडिट तो सेपरेट सिलेबस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऑडिट का क्या काम आ गया सर? सर कुछ गलत बता रहे हैं आप। नहीं बेटा आराम से आराम से, जरा सुनो मेरी बात। ऑडिट केवल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं होता। आप जो ऑडिट में ऑडिट का सिलेबस पढ़ रहे हो ना, वो फिनेंशियल ऑडिट है। स्ट्रैटेजी का भी ऑडिट होता है। और EIS में अपन पढ़ेंगे कौन सा ऑडिट, सिस्टम ऑडिट की बात होगी EIS में। जब EIS पे जब जाएंगे तब उधर आप देख लेना आराम से। लेकिन आज तो हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी का ऑडिट करेंगे और कुछ बढ़िया सी 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और मुझे आप बताओगे क्या आपने इनका नाम सुना है, समथिंग कॉल्ड एज BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंच मार्किंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंच मार्किंग। क्या इसके बारे में आपने सुना है? क्या बेटा इसके बारे में आपने सुना है? रुचिता कह रही है सर हमने बेंच मार्किंग के बारे में सुना है। कोई बात नहीं बेटा, जो भी आपने सुना है, जैसा भी आपने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इन 2 कॉन्सेप्ट के बारे में अपन इसी सिलेबस में सीखने वाले। और जब चैप्टर 8 हो जाएगा तो किसकी बारी आएगी? चैप्टर नंबर 1 की बारी आएगी। चैप्टर नंबर 1, हाँ, चैप्टर नंबर 1 में बहुत मजा आएगा। बिकॉज यही 7 पेजेस का चैप्टर, 30 मिनट्स में। पिज्जा की डिलीवरी भी 30 मिनट्स में आती है, अपन चैप्टर 1 भी 30 मिनट्स में खत्म करेंगे। 30 मिनट्स में खत्म, नहीं तो आपका फीस वापस। हाँ बिल्कुल, ऐसी गारंटी है मेरी तरफ से, मजाक कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 बेटा है ही इतना छोटा कि 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर खत्म होता है। मैं चैप्टर 1 पता है आपको लास्ट में क्यों ले रहा हूँ? अब आपको बताता हूँ चैप्टर 1 हम लास्ट में क्यों लेते हैं। चैप्टर 1 में लिखा है कि BCG मैट्रिक्स को यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बिजनेस के लिए। अरे लेकिन BCG मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये तो चैप्टर 2 में दिया हुआ है, इसलिए चैप्टर 2 पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि माइकल पोर्टर के जो 5th फोर्स है उसको डेफिनेटली बिजनेस में फॉलो करना चाहिए। अरे लेकिन माइकल पोर्टर कौन है, उसको क्या बोल रहा, क्या उसके 5 फोर्सेस मॉडल है, इसका पूरा नॉलेज तो आपको चैप्टर 5 में मिल रहा। मतलब चैप्टर 1 में आपके पूरे सिलेबस का समरी है। तो पहले समरी पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे? लॉजिकली पूरा सिलेबस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समरी करेंगे। इसीलिए चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट में लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर नंबर 1 आपका लेंगे, आपको पूरा सिलेबस पहले से याद होगा, तो बड़ी चुटकियों में, आसानी में चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो भैया आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, टुडे बिंग द वेरी फर्स्ट डे, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर नंबर 2। सारे बच्चे एक बार
आर यू ऑल एक्साइटेड टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मजा आ रहा है आपको? यस, बहुत बढ़िया, गुड टू सी रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल लाइक इफ यू स्पीक. मैसेज कर रहे बेटा वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन आप बोलोगे तो और भी मजा आएगा. ऐसा लगेगा हमारा बेटा लाइव क्लास चल रहा है, और इसकी मजा भी बहुत आएगी. और ढेर सारे कंपनीज के एग्जांपल, ढेर सारे प्रोडक्ट. ये कैडबरी सेलिब्रेशन इतना प्रोडक्ट क्यों चलता है, एग्जांपल अपन लेंगे. ये दिवाली के समय पर कुरकुरे पर ऑफर क्यों आती है, ये भी हम सीखेंगे. ये बाबा रामदेव इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, ये दंत मंजन इतना कोलगेट को कॉम्पिटिशन क्यों देता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले एक ही सब्जेक्ट में, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है ना? तो बेटा कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्लासेस को मिस नहीं करना. टाइमिंग इज गोना बी फ्रॉम 2:30 to 4. बीच में हर सवा या डेढ़ घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक होगा. एवरी डे विल डू दिस. समबडी विल सिंग, कोई शायरी बोलना चाहे शायरी बोले, कोई जोक बोलना चाहे जोक बोले. मनोरंजन का माहौल बने रहना चाहिए. केवल पढ़ाई पढ़ाई करके तो भैया बोर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा सा मनोरंजन भी बना रहना चाहिए. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन है मेरी साइड से कि माइक को अनम्यूट करके बोलोगे तो बेटा आपको मजा आएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम पर. टाटा, बाय बाय. Shall I end the meeting या यहाँ पर कोई और join होने वाला है, मुझे पता नहीं, मुझे बताइए. या मैं किसी को host बना के चला जाऊँ, what do I do? अच्छा, meeting end कर दूँ. ठीक है, okay.